दोस्तों आज के इस ब्लॉग में मैं कहाँ पे हूँ, फिलहाल मैं अभी आसाम पे हूँ। आसाम के एक बेहद ही खूबसूरत जंगल के बीच में हूँ। जंगल के बीच में एक ही घर है और एक ही घर में ये शख्स रहते हैं, यहाँ पे रहकर एक काम करते हैं। शहर में बैठने वाले लोगों को भी उतना अच्छा नहीं लगेगा होगा, शायद इस वाले जगह में आके आपको उतना अच्छा लगेगा। तो भैया सबसे पहले आपको मेरे को बताइए कि इस जगह को क्या कहते हैं? इस जगह का नाम कहते हैं भैरवपुर। भैरवपुर, तो ये देखिए यहाँ का इलाका कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे आप क्या करते हैं? इस वाले घर पे खाना बनाते हैं। अंदर जाके देख सकते हैं? देख सकते हैं। लाइट है यहाँ पे? लाइट है ना, लाइट ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, जंगल के बीच में भी भैया रहते हैं। ये रहा भैया, यहाँ पे खाना होना बना के खाते हैं। यहाँ पे सारा मसाला वसला सारा सामग्री अगरम बगरम जो सामग्री है, और नीचे में देख सकते हैं कप है, ग्लास है, सब्जी रखने के लिए कितने बढ़िया यहाँ पे सामान रख दिया गया है। टैंक है और यहाँ में भी पानी रखा जाता है। गैस खत्म हो गया हो या फिर बहुत ही ज्यादा ठंड हो गया हो तो हमें गैस यूज करने का मन नहीं करता है। उस समय में भैया के पास देखिए कितना बड़ा चूल्हा, क्या कहते हैं, चूल्हा बोलते हैं। चूल्हे से मजेदार चीज क्या है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे ठंडी के दिन में यहाँ में बैठ के आग के सामने में बैठ के, और आपका यहाँ में खाना बन रहा हो, चिकन बन रहा हो, कुछ भी बन रहा हो, और आप यहाँ में आग में बैठ बैठ के अकेले, मतलब पूरा अकेले, और यहाँ में कोई नहीं है, आप यहाँ में अकेले बैठ, आप सोच भी नहीं सकते कि ये कितना अंदर और जंगल में आप यहाँ में अकेले रहोगे तो आपको कैसा लगेगा। डर तो लगेगा ना, लेकिन भैया को डर नहीं लगेगा क्योंकि वो एक्सपीरियंस है। तो भैया आपको यहाँ में अकेले रहकर कैसा लगता है? हमको तो अकेले रहकर अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, कोई डर और नहीं लगता है? डर और नहीं लगता है, मतलब आदत हो गया अकेले। मतलब हम तो 2007 से था ना। हाँ, 2007 से अभी कितना, अभी 2024 24 नहीं 2022 15 साल हो गया भैया को यहाँ में अकेले रहते हुए। 15 साल हुआ है, कसम कह रहा हूँ, इस जंगल के बीच में आप अकेले रहेंगे या फिर मैं अकेले रहूंगा, हवा टाइट हो जाएगा भाई, सच्ची बोल रहा हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे बहुत सारे खूबसूरत पिक्चर लगा दिया गया है ना, सुंदर पिक्चर है नेचर का। यहाँ में देखिए इस तरफ भी पिक्चर है, इस तरफ में भी इतना सारा यहाँ पे पिक्चर लगा दिया गया है। सच्ची में वाकई में बहुत ही बढ़िया पिक्चर है ये वाला पिक्चर, देखिए मतलब कितना सुंदर पिक्चर है। क्योंकि इनके जो सर है उन्होंने यहाँ पे फोटो क्लिक करके यहाँ पे रख दिया गया है। यहाँ पे टूरिस्ट कितने आते हैं? आ जाते हैं ना? टूरिस्ट बहुत आते हैं, बहुत आते, अभी नहीं आ रहे हैं, अभी नहीं, अभी अक्टूबर से आएगा। अक्टूबर से बहुत आएगा ना, अक्टूबर ये पूरा गेस्ट हाउस भर्ती होता है। पूरा भर्ती, अभी गेस्ट हाउस कुछ इस प्रकार से है। अभी यहाँ पे गेस्ट नहीं आ रहे हैं तो बहुत दिनों से ये खाली पड़ा है, तो यहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत ही ब्यूटीफुल एक चीज है जहाँ पे आप अपना कपड़ा को रख सकते हैं, ऐसे हैंगर आप इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये रहा आपका कवर्ड, यहाँ पे आप कपड़ा रख सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ आपका पर्सनल सामान रख सकते हैं। इधर में रहा बाथरूम टॉयलेट, देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा बाथरूम टॉयलेट, और यहाँ पे आप आराम से अपना शावर वावर ले सकते हैं, आप नहा सकते हैं, पूरा फैसिलिटी है। और इस साइड में आपको टॉयलेट वॉयलेट का भी फैसिलिटी है। तो दोस्तों यहाँ का सीन कैसा है, यहाँ का जगह कैसा है, सारा सीन मैं आप लोगों को इस ब्लॉग में दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरे को जरूर बताएं। ये ऊपर वाला गेस्ट हाउस, ऊपर में जो गेस्ट हाउस है वो कैसा है वो भी मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाने का कोशिश करूंगा। अभी हम लोग ऊपर जाएंगे और देखेंगे कि कैसा है। चलो दोस्तों मिलते हैं सीधा ऊपर गेस्ट हाउस पर। गेस्ट हाउस पे आया हूँ, यहाँ पे लाइट ऑन होगा कि नहीं होगा? देखिए ये वाला रूम जो है थोड़ा प्रीमियम है, अगर आप नीचे में रहते हो और यहाँ पे रहते हो तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस पैसों का होगा और कंफर्टेबिलिटी भी का होगा। यहाँ में रहने के लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा पैसा देना होगा। अच्छा यहाँ पे चार्ज कितना लेते हैं आप? इसको 2000 लेते हैं। यहाँ पे एक दिन रहने का 2000, तो दोस्तों यहाँ पे एक दिन रहने का आपको 2000 रुपए पर नाइट आपको पे करना होगा। और नीचे में जो अभी अभी हम लोग ने जो रूम दिखाया था वहाँ पे कितना लेते हैं? 1800, 200 रुपया कम। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप 1800 दे सकते हो तो ऑब्वियसली 2000 भी दे सकते हो, कि मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे बैठिए। ये वाला थोड़ा ज्यादा अच्छा है, ये वाला रूम बहुत ही ज्यादा अच्छा है। देखिए थोड़ा नीचे में टाइल्स लगा दिया गया है, बहुत बड़ा बेड है, बहुत ज्यादा कम्फर्टेबल बेड है। ये सब अभी यहाँ पे लगाया नहीं है, लगाने के बाद तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। ये रहा टेबल, एक खूबसूरत पंखा ऊपर में लगा दिया गया, अगर आपको गर्म लगता है तो ऊपर आप पंखा चालू कर सकते हैं। ऑन करके देखते हैं। कपड़ा रखने के लिए ये है, यहाँ पे आप कपड़ा रख सकते हैं। ये किसी ट्री को काट के यहाँ पे ऐसा बना दिया गया है, कितना अच्छा से इसको कर दिया गया है। यहाँ में मच्छर का भी कोई टेंशन नहीं दिया गया है। गुड नाइट, अगर आप फॉरेन से है तो आपके लिए यहाँ में देखो टॉयलेट पेपर भी है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ में टॉयलेट पेपर भी रखा गया है। अगर आप जापान अमेरिकन से है तो आप टॉयलेट पेपर भी यूज कर सकते हैं। हम तो इंडियन है, पूरा पानी लेकर सीधा, मतलब पता चल गया।
आपको यहाँ पे गर्म पानी भी मिल जाएगा, ये बनाएगा बालकनी से। हाँ, यहाँ से बालकनी का नजारा भी दिखाएंगे दोस्तों। ओह माय गॉड, बालकनी से देखिए दोस्तों बाहर का नजारा, रिलैक्स हो जाएंगे, मतलब पूरा मजा आ जाएगा, मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों। यहाँ पे हाथी भी आता है ना, हाथी भी आता है यहाँ पे अभी। क्या रात को हाथी आता है? रात को आता है। अभी वो हाथी कहाँ पे? अभी हाथी अंदर में है, जंगल अंदर में है ना। अंदर में है। अच्छा, अभी हाथी तो अंदर में है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग ने देख ही लिया, जैसे कि भैया ने बताया यहाँ पे हाथी भी आते हैं, डर भी लगता है। फिलहाल मैंने कन्फर्म कर लिया कि वो दिन में आएगा नहीं, हम लोग सेफ है, आपका भाई जिंदा रहेगा, किसी लेने की जरूरत नहीं है। रात को आता है, अभी नहीं आता है। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं अगर आप ये सोच रहे हैं तो मैं बता दूँ, भैया हम लोगों को खूबसूरत पानी दिखाने ले जा रहे हैं ना। पानी ना क्या, नदी? पानी पर नदी, नदी ना, नदी खूबसूरत है ना, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। आप लोग एक्साइटेड हो के नहीं हो उस नदी को देखने के लिए? तो दोस्तों सीधा मिलते हैं। दोस्तों देख सकते हैं हम लोग कितना ब्यूटीफुल लोकेशन पर पहुंच गया है, नो भैया के वजह से हम लोग इतना खूबसूरत लोकेशन पे पहुंच गए। तो देखिए यहाँ का वादिया, यहाँ का नेचर, खूबसूरत जंगल पर वो एक इंसान रहते हैं, उन्होंने हमें बहुत ज्यादा मदद किया, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दिया, जगह के बारे में बोला, जगह दिखाया। देखिए यहाँ का वाटरफॉल, इधर से भी देखिए, वाटरफॉल नहीं सॉरी नदी, वाटरफॉल जहाँ जाके वो मैं वाटरफॉल में आ रहा है। नहाने का मन कर रहा है, मैं अभी नहा नहीं सकता, तो अभी मुझे दूसरे जगह जाना है ब्लॉगिंग बनाने के लिए, आप लोगों को और भी इंटरेस्टिंग जगह दिखाना है ना। My heart rages around like an ocean in my head. अभी कपड़ा खोल के पानी में डुबकी मारने का मन कर रहा है लेकिन कर नहीं सकता, लेकिन थोड़ा सा पानी को टच कर लेते, मुंह धोने का मन कर रहा है, मुंह धोवा लेता है। पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा है, खुद होके मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा कूल है, बहुत ही ज्यादा ठंडा है। Your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Such a look good in the dim bar light, so damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you asked my name, I panicked. So out of my league, and your body was so magnetic. आज के ब्लॉग में बस इतना ही, ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग में आपके लिए लाता रहूंगा। अगर आप मेरे को मोटिवेट करना चाहते हो तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि मैं मोटिवेट होकर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग लाता रहूं, आप लोगों को एंजॉयमेंट कराता रहूं। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।